नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑफिशियल। मैं हूँ आपके साथ प्रीति। शरद पूर्णिमा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने के साथ ही चांदनी रात में खीर बना कर रखने की परम्परा है। आइए जानते हैं कि इस साल शरद पूर्णिमा कब है और उसका धार्मिक महत्व क्या है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का कारण प्रारंभ 9 अक्टूबर दिन रविवार को तड़के 3:41 पे हो रहा है। इस तिथि का समापन अगले दिन 10 अक्टूबर सोमवार सुबह 2:24 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है। इस साल शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा का उदय शाम 5:51 पर होगा। जिन लोगों को व्रत रखना है वे 9 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और शाम के समय चंद्रमा की पूजन करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होता है। इस वजह से रात के समय मैं खीर बना के खुले आसमान के नीचे रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणें उसमें पड़े। इससे यह खीर औषधीय गुणों वाला हो जाता है। इस खीर का सेवन करने से अच्छी सेहत होती है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि इस रात में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उन लोगों के घरों में आती है जिनका घर साफ सुथरा होता है और वे उनके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जानना चाहती है कि उनके स्वागत के लिए समय कौन चाहता है। इस वजह से शरद पूर्णिमा का नाम कोजागर पूर्णिमा भी है।